कबीर उसमें फौलाद शक्ति है उसमें स्वदेश की भक्ति है वह युद्ध के रुख को बदल देता दुश्मन को बल में मसल देता फादार वो सूरवीर सबका है यार उत्साही सूरमा परम वीर रक्षक सब कारण धीर वीर हिम्मत वाला साहस वाला योद्धा सबका है दूध की हत्या कर विराट ने सुंदरगढ़ के भविष्य को खून के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। अब आंसू काल भैरव को नहीं विराट को बहाने होंगे। काल भैरव अपने दूध के खून की एक एक बूंद का बदला लेगा, एक एक बूंद का। ओम भैरवाय नमो नमः, ओम चंडिकाय नमो नमः, ओम महाकालाय नमो नमः, ओम अग्नियाय नमो नमः, ओम वायुवाय नमो नमः, ओम काल भैरव। चंडिकाय नमो नमः, ओम महाकालाय नमो नमः, ओम अग्नियाय नमो नमः, ओम वायुवाय नमो नमः, ओम सुनैना। विराट की गुरुदेव, यह आपकी शक्ति थी जो मुझे यहां तक ले आई है। मैंने तो सोचा था कि विराट ने प्रचंड देव को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। महाकाल के सिद्ध पुरुष को विराट ने यही समझा था ना? अपने अलावा तुम किसी पे भी यकीन नहीं करते, इसीलिए कोई भी तुम पे यकीन नहीं करता। भूल गए? हमने कहा था कि मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा। क्षमा करें गुरुदेव, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसा लगता है कि विनाश के समय काल भैरव की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया था। आपके बिना काल भैरव सुंदरगढ़ का सेनापति नहीं है। आपके बिना उसे सुंदरगढ़ से निर्वासित होना पड़ा गुरुदेव। उसकी जगह विराट ने कब्जा कर लिया है गुरुदेव, विराट ने। मुझे सब पता है, हमें सब पता है काल भैरव। महाकाल की आंखों से कुछ भी नहीं छिपा है। विराट की सबसे प्यारी चीज तो तुम्हारे पास है काल भैरव। सुने ना गुरुदेव? सुने ना काल भैरव, विराट ने अपनी मौत से बहुत आंख बिचोली खेल ली, बहुत ही तरह चुका है वो। अब वक्त आ गया उसके पछताने का, अब वक्त आ गया है प्रचंड देव के सामने उसके धूल में मिल जाने का। बहुत खूबसूरत है उसकी महबूबा।
उसकी खूबसूरती को इतना बदसूरत कर दो कि विराट की रूह कांप उठे। विराट को तड़पाने के लिए उसको इतना तड़पाओ, इतना तड़पाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। यहां विराट का शासन नहीं है, यहां काल भैरव की हुकूमत है। यहां तुम्हारी आवाज मेरे अलावा किसी और को सुनाई नहीं देगी, किसी को भी सुनाई नहीं देगी। क्षेत्र में किसी के अंदर इतना साहस नहीं है कि सुनैना की तरफ बुरी नजर उठाकर भी देख ले। आज दूसरी बार सुनैना ने मेरी नींद में सपनों के दरवाजे खटखटाए हैं। मतवर सुनैना को देखे बिना अब मेरे लिए चैन की नींद सोना असंभव है। जब नींद पर भयानक सपने हावी होने लगे मतवर, तो सपनों का अर्थ सपना नहीं रह जाता। कहीं न कहीं हकीकत में जिंदगी धोखा देने का षड्यंत्र रच रही होती है। अगर ऐसी बात है विराट, तब तो हमें सुनैना की खबर लेने के लिए दक्षिण क्षेत्र जाने की तैयारी करनी ही होगी। हाँ नटवर, मैं कल सवेरे ही दक्षिण क्षेत्र की तरफ निकल जाऊंगा। वैसे भी राजधानी आने के बाद वक्त ने मुझे दक्षिण क्षेत्र जाने का वक्त ही नहीं दिया।
पुजारी, पुजारी जी, पुजारी जी, जंगल में सुनैना की लाश मिली है। अपने बाबा को क्या सोचकर अकेला छोड़ गई बेटी, मैं तेरे बगैर जी लूंगा। तेरे हिस्से की मौत मुझे क्यों नहीं आई सुनैना, मुझे क्यों नहीं आई, मुझे क्यों नहीं आई। देखो देखो गांव वालों, देखो मेरी बेटी अपनी मौत नहीं मरी है, अपनी मौत नहीं मरी है मेरी बेटी। खून में डूबी मेरी बच्ची का रोम रोम कह रहा है मेरी सुनैना अपनी मौत नहीं मरी है, अपनी मौत नहीं मरी है सुनैना। मेरी बच्ची की चिता तैयार करो। जानतु को न जानतु, जानतु सेनापति विराट। ये हमारी बहन की नींद उड़ाकर कहां उड़े जा रहे, जादू कर जादू, जादू। Ram! Ram! आज मैं अपनी बहन माया को ऐसा तोहफा दूंगा, ऐसा तोहफा दूंगा कि खुश हो जाएगी। बहन माया को अपना प्रेमी मिल जाएगा और मुझे, मुझे राजमहल में राजकुमारी बिजली तक पहुंचने का रास्ता। जानतु कि न जानतु, जानतु कि न जानतु, जानतु। माया, हमारी प्यारी बहन माया। क्या बात है भवानी, बहुत खुश नजर आ रहे हो। क्या राजकुमारी बिजली ने तुम्हारी मोहब्बत कबूल कर ली? जानतु कि न जानतु, जानतु। उठाकर तो भवानी उस बिजली को किसी भी वक्त ला सकता है, पर मेरा मन नहीं मानता। मन कहता है वो अपने आप आए, मन कहता है वो अपने आप आए और भवानी उसे अपने दिल की राजकुमारी बनाए। तुम्हारा दिल ठीक कहता है भवानी, लेकिन मोहब्बत का नाता जोर जबरदस्ती का नहीं होता, दिल से दिल का नाता होता है। और दिल का जादू दुनिया के किसी भी जादू के आगे कुछ नहीं होता। अच्छा तो ये होगा कि तुम बिजली को अपनी मोहब्बत के जादू से भस्म करके बताओ, बस फिर देखो मजा आ जाएगा। उसे तो भवानी किसी भी वक्त अपने भस्म कर सकता है माया, पर आज, आज मैं तुम्हारे लिए ऐसा तोहफा लाया हूं, ऐसा तोहफा लाया हूं जिससे देखकर तुम अपने भस्म नहीं रहोगे। किस तोहफे की बात कर रहे हो भवानी? दिल का तोहफा माया, दिल का तोहफा। भवानी तुम्हारे लिए, तुम्हारे विराट को बंदी बना के लाया है, विराट को। क्या कहा? तुम हमारे विराट को बंदी बनाकर लाया हो? ये तुमसे किसने कहा? कहाँ है हमारा विराट?
जानतू को ना जानतू जानतू। खुश होने के बजाय हमारी बहन हमसे ही नाराज। ये कैसा राज? ये तुम नहीं समझोगे भवानी, विराट अब माया का दुश्मन नहीं, माया का दोस्त है। जानतू को ना जानतू जानतू। माया तुम? क्षमा करना विराट, हमारा भाई भवानी हमें मोहब्बत का तोहफा देने के लिए तुम्हें यह बंदी बना लाया। तुम्हारा भाई? हाँ, हमारा भाई भवानी। पहले दुनिया में भवानी के सिवा हमारा कोई भी नहीं था, और अब तुम्हारे सिवा। विराट, अब तुम्हारे लिए कड़वी सच्चाई दक्षिण क्षेत्र में तुम्हारा इंतजार कर रही है। दक्षिण क्षेत्र में? तुम किस सच्चाई की बात कर रही हो माया? इस समय सवाल मत करो विराट, माया पर यकीन करो। जाओ विराट, इस जादुई कालीन पर सवार हो जाओ, जल्दी जाओ, ये तुम्हें दक्षिण क्षेत्र पहुंचा देगा। लेकिन माया? सवाल मत करो विराट, जल्दी जाओ, जिंदगी कदम कदम पर तुम्हें सवाल करने का मौका देगी, ये तुम्हें दक्षिण क्षेत्र पहुंचा देगा, वहां तुम्हारा इंतजार हो रहा है। जाओ विराट। विराट, प्रचंड देव तुम्हें तुम्हारी सुनैना की चिता में आग लगाने का मौका ही नहीं देगा। बल्कि प्रचंड देव तुम्हारी इस कालीन को ही तुम्हारी चिता बना देगा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये नमः। ओम महाकालाय नमः। ओम अग्नियाय नमः। ओम भम भैरवाय नमः। ओम भम।
Yeah.